तो अगर हम ट्विन सिलेंडर बाइक के कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो ट्विन सिलेंडर बाइक में आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है एंड उसी के साथ साथ इस बाइक को राइड करते समय आपको बहुत अच्छा बैलेंस मिलता है। नेक्स्ट, आपको ट्विन सिलेंडर बाइक के इंजन में बहुत ही कम वाइब्रेशन देखने को मिलती है एंड उसी के साथ साथ ये इंजन बहुत ही अच्छी साउंड प्रोड्यूस करता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 5 ट्विन सिलेंडर बाइक्स के बारे में, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले आप सभी को थैंक यू सो मच, क्योंकि आप सभी ने हमारे चैनल पर 15,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो आज आपको हमारी ट्विन सिलेंडर बाइक की लिस्ट में सभी कैटेगरी की बाइक्स देखने को मिलेगी, जैसे कि स्पोर्ट्स, कैफे रेसर, स्पोर्ट्स टूरर एंड एडवेंचर टूरर। इस वीडियो में आपको बहुत सी अच्छी अच्छी ट्विन सिलेंडर बाइक देखने को मिलेगी एंड उसके लिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो के एंड में आप कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी बाइक अच्छी लगी, मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा। तो हमारी लिस्ट की फर्स्ट बाइक है रॉयल इनफील्ड की तरफ से GT650। इस बाइक में आपको 647.95cc पैरेलल ट्विन सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम पावर ऑफ 47.4 PS एट 7,250 RPM एंड 52 Nm ऑफ टॉर्क एट 5,150 RPM। GT650 में आपको 27 km/L का माइलेज देखने को मिलेगा। इस बाइक की टॉप स्पीड आपको 161 km/h देखने को मिलेगी। रॉयल इनफील्ड GT650 ये वन ऑफ द बेस्ट न्यू रेट्रो कैफे रेसर बाइक है एंड नेक्स्ट अगर हम इस बाइक की प्राइस के बारे में बात करें तो इस बाइक की प्राइस आपको 3,44,000 rupees एट शोरूम देखने को मिलेगी। तो हमारी लिस्ट की नेक्स्ट बाइक है स्पोर्ट्स कैटेगरी में एंड ये बाइक है कावासाकी की तरफ से कावासाकी निंजा 300। इस बाइक में आपको 296cc पैरेलल ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम पावर ऑफ 39 PS एट 11,000 RPM एंड 26 Nm ऑफ टॉर्क एट 10,000 RPM। निंजा 300 में आपको 29 km/L का माइलेज देखने को मिलेगा एंड इस बाइक की टॉप स्पीड आपको 182 km/h देखने को मिलेगी। निंजा 300 में आपको एक डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। इस बाइक के फ्रंट में आपको एक हैलोजन हेडलाइट, इस बाइक के रियर में LED टेल लाइट एंड LED इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, अगर हम निंजा 300 के सस्पेंशन की बात करें तो इस बाइक के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे एंड इस बाइक के रियर में आपको प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। निंजा 300 में आपको 29 km/L का माइलेज देखने को मिलेगा एंड इस बाइक की टॉप स्पीड आपको 182 km/h देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, अगर हम निंजा 300 की प्राइस की बात करें तो इस बाइक की प्राइस आपको 3,43,000 rupees एट शोरूम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, हमारे लिस्ट में और एक बाइक है रॉयल इनफील्ड की तरफ से, रॉयल इनफील्ड सुपर मीटियोर 650। इस बाइक में आपको सेम GT650 वाला इंजन मिलता है, 647.95cc पैरेलल ट्विन सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम पावर ऑफ 47.4 PS एट 7,250 RPM एंड 52 Nm ऑफ टॉर्क एट 5,150 RPM। तो जैसा कि सुपर मीटियोर 650 में आपको सेम GT650 वाला इंजन मिलता है, बट इस बाइक का ओवरऑल राइडिंग फील आपको टोटली डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि सुपर मीटियोर 650 ये एक क्रूजर टाइप की बाइक है। इस बाइक में आपको 25 km/L का माइलेज देखने को मिलेगा एंड इस बाइक की टॉप स्पीड आपको 160 km/h देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, अगर हम इस बाइक की प्राइस की बात करें तो इस बाइक की प्राइस आपको 3,85,000 rupees एट शोरूम देखने को मिलेगी। हमारे लिस्ट की नेक्स्ट बाइक है कावासाकी निंजा 400। इस बाइक में आपको 399cc लिक्विड कूल पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा, जो कि प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम पावर ऑफ 45 PS एट 10,000 RPM एंड 37 Nm ऑफ टॉर्क एट 8,000 RPM। इस बाइक में आपको 25 km/L का माइलेज देखने को मिलेगा एंड इस बाइक की टॉप स्पीड आपको 169 km/h देखने को मिलेगी। कावासाकी निंजा 400 ये वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स टूर कैटेगरी की बाइक है एंड इस बाइक की प्राइस की बात करें तो इस बाइक की प्राइस आपको 5,24,000 rupees एट शोरूम देखने को मिलेगी। हमारे लिस्ट की लास्ट बाइक है एडवेंचर टूर कैटेगरी की बाइक, जो कि है बेनेली की तरफ से, बेनेली TRK 502। इस बाइक में आपको 500cc इनलाइन ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिलता है एंड ये इंजन प्रोड्यूस करता है 47.5 PS की पावर एट 8,500 RPM एंड 46 Nm ऑफ टॉर्क एट 6,000 RPM। बेनेली TRK 502 में आपको 20-25 km/L का माइलेज देखने को मिलेगा। इस बाइक की टॉप स्पीड आपको 160 km/h देखने को मिलेगी। इस बाइक के फ्रंट एंड रियर में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे एंड इस बाइक के फ्रंट में आपको ड्यूल डिस्क ब्रेक मिलता है विद ड्यूल चैनल ABS। उसी के साथ साथ इस बाइक के फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स एंड रियर में इस बाइक में आपको एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। नेक्स्ट, अगर हम इस बाइक की प्राइस की बात करें तो इस बाइक की प्राइस आपको 5,85,000 rupees एट शोरूम देखने को मिलेगी। तो ये थी हमारी टॉप 5 ट्विन सिलेंडर बाइक।
इनमें से आपको कौन सी बाइक अच्छी लगी है कमेंट करके बताओ। एंड और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वो बेल आइकन को तोड़ दो। मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hey, feel I'm in a mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a stick up.